Hello children, good morning. Today I am going to teach you general English subject, chapter number 13, the present perfect tense. So let's begin. Look at the picture and read the sentence. Picture को देखना है और उस sentence को read करना है. Mala is writing her name on the blackboard. Mala is writing her name on the blackboard. Mala blackboard पर अपना नाम लिख रही है. Mala blackboard पर अपना नाम लिख रही है. टू नंबर में दिया है. माला हैज रिटन हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड. माला हैज रिटन हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड. माला ने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा है. पहले मैं आपको बताया था कि वो नाम लिख रही है. अभी इस पिक्चर में आपको इधर बताया है कि मैं माला ने अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा है. अभी इसमें द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स अस दैट एक्शन ऑफ राइटिंग इज गोइंग ऑन. के पहला वाक्य हमें बताता है कि लिखने की क्रिया चल रही है. पहले सेंटेंस में क्या कर रहे हैं कि वो लिखने की क्रिया कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि इट्स राइटिंग इज द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, यानी चालू क्रिया है उसमें. कि वो पहले चालू क्रिया है कि पहले जो फर्स्ट पिक्चर थी एक्शन, वो राइटिंग लिखने का काम चालू है उसका. तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और दूसरे सेकेंड नंबर टेंस टेल्स द सेकेंड सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ राइटिंग इज कंप्लीट एंड द नेम इज नाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड. हैज रिटन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कि इसमें आपको बताया है दूसरे वाक्य में कि लेखन की क्रिया पूर्ण हो गई है. जो लिख जो उसका नाम लिख रही थी वो क्रिया उसकी पूर्ण हो गई है और वही अब ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ है. तो हैज रिटन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्मेड बाय यूजिंग हैव और हैज. हैव और हैज इज हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब बताया है आपको कि प्रेजेंट टेंस आपको फॉर्मेड बाय यूजिंग हैव और हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब. एग्जाम्पल आपको बताया है इसमें. हैज सीन, हैव कम, हैज डन. देखो, आओ, डन कंप्लीट हो गया. व्हेन द टाइम बिटवीन द कंप्लीटेशन ऑफ द एक्शन एंड नाउन इज वेरी शॉर्ट. वी ऑफ्टन यूज द वर्ड जस्ट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द पास्ट पार्टिसिपेंट. कि आपको इसमें बताया हुआ है कि एग्जाम्पल दिया है बिटवीन जस्ट दोनों के बीच में कि माला हैज जस्ट रिटन हर नेम. कि माला ने अभी अभी अपना नाम लिखा है. टू नंबर
Raju and Ram have just come home. कि राजू और राम अभी अभी आए हैं घर पे, अभी अभी आए हैं। अभी एग्जाम्पल आपको इसमें दिया है कि री राइट द सेंटेंस पुटिंग द वर्ड जस्ट इन द प्रॉपर प्लेस। अभी जस्ट आपको वो रखना है वर्ड को जस्ट प्रॉपर प्लेस पे। इसमें आपको बताया है कि शब्द को सही स्थान पर रखकर वाक्य को फिर से लिखना है। शब्द को सही स्थान पर रख के वाक्य को फिर से लिखना है। एग्जाम्पल बताए, ही हैज डन द वर्क, उसने काम किया। ही हैज जस्ट डन द वर्क, उसने अभी अभी काम किया। टू नंबर, मिस्टर पंडित हैज ब्रॉट दैट टेबल। मिस्टर पंडित हैज ब्रॉट दैट टेबल, श्रीमती पंडित ने मेज खरीदी। तो मिस्टर पंडित हैज जस्ट ब्रॉट दैट टेबल, मिस्टर पंडित ने अभी टेबल खरीदा। टू नंबर, आई हैव मेड ए फाइन मॉडल ऑफ द ताज। आई हैव मेड ए फाइन मॉडल ऑफ द ताज, मैंने ताज का अच्छा नमूना बनाया है। तो आई हैव जस्ट मेड ए फाइन मॉडल ऑफ द ताज, मैंने अभी ताज का अच्छा नमूना बनाया है। थ्री नंबर, वसंती हैज टेकन माई पेंसिल, वसंती ने मेरी पेंसिल ले ली है। वसंती ने मेरी पेंसिल ले ली है, तो वसंती हैज जस्ट टेकन माई पेंसिल, वसंती ने अभी अभी मेरी पेंसिल ली है। फोर नंबर, वी हैव रीड दैट पोयम, हमने वह कविता पढ़ी। वी हैव रीड दैट पोयम, हमने अभी कविता पढ़ी। वी हैव जस्ट रीड दैट पोयम, हमने अभी कविता पढ़ी। फाइव नंबर, डॉक्टर व्यूम हैज एग्जामिनेड द पेशेंट। डॉक्टर होम हैज एग्जामिनेड दैट पेशेंट, के डॉक्टर व्यूम ने मरीज की जांच की। डॉक्टर व्यूम ने मरीज की जांच की। डॉक्टर व्यूम हैज जस्ट एग्जामिनेट द पेशेंट, डॉक्टर व्यूम ने अभी मरीज की जांच की। डॉक्टर व्यूम ने अभी मरीज की जांच की। सिक्स नंबर, शीला हैज ब्रॉट दोस रोसिस, यानी शीला उन गुलाबों को लाई है। शीला ब्रॉट यानी लाना, शीला हैज ब्रॉट दोस रोसिस, शीला उन गुलाबों को लाई है। शीला हैज जस्ट ब्रॉट दोस रोसिस, शीला अभी उन गुलाबों को लाई है। शीला उन गुलाबों को अभी लाई है। सेवन नंबर, दे हैव गॉन टू दिस हाउस, दे हैव गॉन टू हिज हाउस, वे उसके घर गए हैं। वे उसके
घर गए हैं, दे हैव गॉन टू हिज हाउस, वे अभी उसके घर गए हैं, द हैव जस्ट गॉन टू हिज हाउस, वे अभी उसके घर गए हैं, वे अभी उसके घर गए हैं। अभी लर्न दिस थ्री फ्रॉम्स ऑफ सम कॉमन वर्ब्स केयरफुली। आपको इधर कुछ सामान्य क्रियाओं के इन तीन रूपों को ध्यान से लिख सीखे केयरफुली से। पहले में प्रेजेंट टेंस से, फिर पास्ट टेंस से, फिर लिया है पार्ट पास्ट पार्टिसिपल। पहले में आपको बताया है कट, तो प्रेजेंट टेंस में कट का कट ही रहेगा, कट यानी काटना कट। पास्ट टेंस में भी कट रहेगा और पास्ट पार्टिसिपेट में भी कट है। कोस्ट, कोस्ट यानी लागत, कोस्ट कोस्ट और कोस्ट ही रहता है। हीट 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 रहेगा। हट हट हट, इसमें आपको दिया है लेट लेट लेट। पुट पुट पुट। रीड रीड रीड, रीड रीड रीड। शीट शीट शीट, शीट शीट शीट। इसमें है शर्ट शर्ट शर्ट, शर्ट यानी बंद करना, तो वही का वही पास्ट टेंस भी वही रहेगा, पास्ट पार्टिसिपेट भी वही रहता है। बाय, इधर आपको बाय दिया है, बाय ब्रॉट ब्रॉट, बाय ब्रॉट ब्रॉट। ब्रिंग ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। इसमें दिया है बिल्ड बिल्ड बनाऊ, बिल्ड बनाऊ। फिर इसमें दिया है बिल्ट और बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। कैच कैच, इधर आपको दिया है कैच। कॉट कॉट, कैच यानी पकड़ना। क्रॉट क्रॉट। क्रीपर क्रीप है ये, क्रीप मकड़ियों पाड़ू, उसका मीनिंग होता है क्रीप का, मकड़ियों पड़ना। क्रीप क्रैप्ट और क्रैप्ट, क्रीप क्रैप्ट क्रैप। डिग डिग यानी खोदना, डिग डग डग, डिग डग डग। फिर आपको दिया है फाइट, फाइट दिए इसमें कि फाइट फ्रॉट फ्रॉट, फाइट लड़ू, फाइट यानी झगड़ा, फाइट करनी। फ्राइट फ्रॉट फ्रॉट। हियर सांभड़ू, हड हड, हियर हड हड। फाइंड मड़वु, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। टीच टीच पढ़ाना, ट्रॉट ट्रॉट टीच ट्रॉट ट्रॉट दिया इसमें।
थ्रॉट थ्रॉट थिंक थिंक यानी विचारना, थ्रॉट थ्रॉट थिंक थ्रॉट थ्रॉट स्टैंड स्टैंड यानी खड़ा रहना, स्टैंड स्टूड स्टूड स्टैंड स्टूड स्टूड सीट सेट सेट सीट सेट सेट वीप वीप यानी रोना, वीप वैन वेप्ट वेप वीप वेप्ट वेप्ट विन विन यानी जीतना, वन वन टेल टोल्ड टोल्ड रन रन रैन रैन रन रैन रैन रिंग रंग रंग फ्लाई फ्लू फ्लॉन फॉल फैल फॉलन फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन ब्लो ब्लू ब्लॉन हाइड हिड हिडन डू डिड डन बाइट बीट बीटन ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बिकम बिकेम बिकम होल्ड हेल्ड हेल्ड कीप कीप्ट कीप्ट लीड लेड लेड लेव लेफ्ट लिफ्ट लीव लेफ्ट लिफ्ट लिफ्ट मेक मेड मेड मीट मेट मीट फील फेल्ट फॉल सेल सोल्ड सोल्ड पे पेड पेड लूज लॉस्ट लॉस्ट हैव हैड हैड हैव हैड हैड शे सेड शेड सेंड सेंट सेंड स्पेंड 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 sleep slept sleep shoot shot shot sign son son swept 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 choose choose chosen drink drank drunk eat ate eaten give gave given noun 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 grow grave crown throw throw diya isme aapko throw throw one speak spoke spoken try draw driven swim 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 rise rise rose risen wear wore worn fear tore torn write wrote written come came come take took taken see show seen go when gone abhi fill in the blanks diye aapko idhar Fill in the blanks with the correct from the from bracket में से आपको choose करके लिखना है. She has just eaten the mango. She just has eaten the mango. उसने अभी आम खाई. Two number. He is drinking a glass of milk. उसने अभी ही दूध पिया है. ड्रिंक ग्लास भर के दूध पिया है, एक ग्लास भर के दूध पिया है. द डॉग हैज बीटन द बेगर. एक डॉग ने क्या किया है, एक भिखारी को काटा है, बीटन. द सोल्जर आर फाइटिंग ब्रेवली. एक सैनिक बहादुर से लड़ता है. वी हैव जस्ट मीट ए प्रिंसिपल.
अभी प्रिंसिपल को मिला। राम हैज जस्ट रन द रेस। राम अभी ही यानी रेस में भाग के आया। द वर्कर आर ड्रिंकिंग द डिश, के जो काम वाले उसने अभी ही यानी खोदना खुदाई काम किया है। समझ गए? ओके, जस्ट